नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ भी। सीएए एनपीआर के विरोध में मध्य प्रदेश के सतना में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समाज के अलावा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। हजारों की तादाद में लोग नजीराबाद के मैदान में एकत्रित हुए। जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू होने का हवाला देकर रैली निकालने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसको लेकर जमकर झूमाझटकी हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और निर्धारित समय पूरा होने पर ज्ञापन लेने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित भीड़ को तितर बितर कर सड़कों से हटाया गया। जिला प्रशासन ने इस प्रदर्शन को लेकर काफी गंभीरता बरती और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। जिला कलेक्टर एसपी सहित आला अधिकारी सतत निगरानी बनाए हुए हैं और कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद होकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने एहतियातन शहर में एक समाज विशेष बाहुल्य इलाके में पुलिस बल तैनात कर रखा है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस की पार्टियां सतत भ्रमण करती रहीं। जिला कलेक्टर की माने तो ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्होंने कहा था कि हम सीए और एनआरसी के जो है विरुद्ध में ज्ञापन देना चाह रहे हैं, तो उनको कल हम लोगों ने 2 घंटे की अनुमति दी थी। यद्यपि 144 लागू थी और उनको वो शर्तों के साथ हमने अनुमति दी थी 2 घंटे के लिए, और उनसे कहा था कि कोई जुलूस नहीं निकालेंगे और किसी तरह की रैली वगैरह नहीं निकलेगी। और मौके पर हम लोगों ने जा कर के ज्ञापन लिया है। मैं और एसपी साथ में गए और हम लोगों ने मौके पर ज्ञापन लिया, और ज्ञापन लेने के बाद लोगों से हम लोगों ने कहा कि आप सड़क पर नहीं आएँ और आपको रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। यद्यपि कुछ लोग कुछ जो उत्साही युवा थे वो रैली निकालना चाह रहे थे, लेकिन उनको समझाया गया, उनके समाज के लोगों ने भी समझाया, हम लोगों ने भी उनसे अपील की और अंत रैली नहीं निकली। और उन्होंने जो टाइम उनको दिया गया था 1 बजे, उस समय सीमा में ही उनका ज्ञापन लेकर के ख़त्म कर दिया गया। फिर भी लगातार निगाह बनाए रखी गई है, अभी भी पार्टियां सब पेट्रोलिंग कर रही हैं, सारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, ताकि किसी तरह की कोई अचानक कोई रैली का स्वरूप या किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो। चीजें शांतिपूर्वक हो गई हैं, इसके लिए सभी पक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।